हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पार्ट का एक विंग कंप्लीट कर लिया है। मतलब हम जैसे एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब दूसरा एग्जीक्यूटिव अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री का है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम इस वीडियो में समझेंगे, क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे चुने जाते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन होता है, ये सारे सवाल जो है ना ये आपके इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करें, चलिए देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पे दो तीन चीजें आ गई है, क्या क्या आ गई है दो तीन चीजें देखो। प्रेसिडेंट आ गया सबसे पहले, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्लियर है। अब यहां पे इस चीज को समझेगा, अपॉइंट कहां आ रहा है, इलेक्ट कहां आ रहा है, क्योंकि ये शब्द क्या है, ये शब्द मतलब बदल देते हैं चीजों का। यहां पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है। मतलब उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें काम सौंपा जा रहा है, ठीक है, चुना नहीं जा रहा उन्हें कि आप ये काम करेंगे, क्लियर। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, क्लियर है। तो अब यहां पे दो तीन चीजें आ गई हैं, क्या क्या आ गया है तो अब आपको समझ में आया प्रेसिडेंट। अभी क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है, हम प्रेसिडेंट को समझेंगे पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या क्या करते हैं, तो उसमें आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जितने भी मेजर काम होते हैं, ठीक है, सब किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि गाड़ी आपकी फैमिली में अगर ली जा रही है, कार ली जा रही है, तो पैसा शायद पापा लेके आए हैं, पूरा पापा ने पूरा पैसा लगाया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि रिबन कौन काट रहा है उस चीज के लिए, मतलब उसका वेलकम कौन कर रहा है, दादाजी कर रहे हैं। तो उस तरह से हेड ऑफ द स्टेट जो रहता है, वो सारी चीजें मैं आपको जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। तो प्रेसिडेंट हर चीज को करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, हाईएस्ट या फिर कह सकते हैं फर्स्ट सिटीजन कौन आता है, प्रेसिडेंट आते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं अब वो बता देता हूं पहले। तो मतलब जो ग्रुप है, जो हमने पिछले वीडियो में कैबिनेट की बात करी थी, जैसे आपके स्कूल में होता है अलग अलग मिनिस्ट्री को संभाल रहे लोग अलग अलग होते हैं ना, तो वही जो पूरा ग्रुप होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाल रहा है, चला रहा है, तो वो ग्रुप। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कर देंगे क्या, किसी को भी बना देंगे क्या, नहीं, किसी को भी नहीं बनाएंगे वो उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे जिन्हें कौन रेफरेंस देगा, जिन्हें रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर देगा, ठीक है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ऑल दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्लियर है। अब आप ये पूछेंगे कहां से, फ्रॉम वेयर, मतलब आसमान में से थोड़ी ना आएंगे कोई, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आने हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो उन्हें कहीं से तो चूज करेंगे आप, ठीक है, कि यहां से चूज करते हैं। तो कहां से बनाओगे, जो एडवाइस दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी किन लोगों के लिए एडवाइस देंगे, ठीक है। तो उसमें समझिए क्या होता है, फ्रॉम हिज ओन पार्टी और फ्रॉम द कोलिजन पार्टनर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। अब वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, तो या तो वो उसी के पार्टी के लोग रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के लोग रहेंगे, और फ्रॉम द कोलिजन पार्टनर। कोलिजन पार्टनर, अभी कोलिजन पॉलिटिक्स समझाया था पिछले वीडियो में, तो जैसे आप जिन जिन पार्टीज के साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे क्या है, बीजेपी ने शिवसेना के साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, तो बोल देंगे कि चलो प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का इंसान बन जाएगा, लेकिन आप होम मिनिस्टर जिसको भी बना रहे हो तो शिवसेना का रहना चाहिए, तो उनका एग्रीमेंट हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एडवाइस देते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं किसे, प्रेसिडेंट को, कि आप उनकी पार्टी में से इस इंसान को ये वाला मिनिस्ट्री दे दीजिए, इस इंसान को ये वाली मिनिस्ट्री दे दीजिए, ठीक है। तो वो उनकी पार्टी से भी हो सकते हैं, कोलिजन पार्टनर से भी हो सकते हैं, और उस बेसिस पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बेसिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो, अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी अ, अब दो चीजें यहां पे, कि आप जिसे अपॉइंट कर रहे हैं, जिस इंसान को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो ही मे बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी हो सकता है, इलेक्टेड एमपी हो सकता है। मतलब जैसे क्या होता है कि हम देखते हैं 445 सीट्स पे चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में जो चुन के आए हैं एमपी, ठीक है, जो बीजेपी के एमपी चुन के आए, मान लो 300 एमपी बीजेपी के चुन के आए थे, तो जो 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही किसी को एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फ्रॉम हिज ओन पार्टी बोला ना, तो इन 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से किसी एक इंसान को बोल दिया कि हाँ इन्हें क्या कर दीजिए, इन्हें आप ये मिनिस्टर बना दीजिए। तो अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, एमपी फ्रॉम लोकसभा, और दूसरी राज्यसभा से भी हो सकते हैं, क्लियर। और दूसरी चीज क्या है, और अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एक ऐसे इंसान को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो। मतलब जैसे मैं, ठीक, मैं अभी क्या हूं, मैं कोई सांसद नहीं हूं, मतलब मैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, चुनाव में नहीं गया, लेकिन मेरी दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी से, ठीक,
अब क्या होता है तो नरेंद्र मोदी जी मुझे क्या बोलते हैं कि चलो इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं। क्लियर है? तो ये पॉसिबल है या नहीं है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, खुश हो गए कि आप लोग, मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा। तो उस तरह से क्या होता है, यहां पे ये पॉसिबिलिटी रहती है कि एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना वो राज्यसभा से ना लोकसभा से, लेकिन उस इंसान को भी क्या किया जा सकता है, उस इंसान को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बनाया जा सकता है उस इंसान को। बस शर्त क्या है कि जब मुझे मिनिस्टर बना देंगे, अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, तो बट ही और शी हैज टू गेट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। मतलब मुझे आज मिनिस्टर बनाया तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मैं कहीं पर भी मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा और अपने आप को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करना होगा, अपने आप को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना होगा। आया समझ में? मतलब अपॉइंट आज कर दो लेकिन मुझे 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन लड़के अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवाना होगा। आया समझ में? तो ये एक प्रोविजन है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अब एक बार स्नैप रिकैप कर लेते हैं, हम ये सारा सब कुछ मिटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। अब प्राइम मिनिस्टर किन लोगों को बोलते हैं कि हाँ, मतलब किन लोगों के लिए एडवाइस देते हैं कि हाँ इस इंसान को बना दो, तो उन्हीं की पार्टी से या फिर कोलिजन पार्टनर के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें वो क्या करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देते हैं कि हाँ इन इंसानों को क्या कर दीजिए, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दीजिए। अब प्रेसिडेंट जो करते हैं तो वो एडवाइस के हिसाब से बना देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो है तो वो दोनों लोगों को कर सकते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी और एक ऐसे इंसान को भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, दोनों का नाम सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि इन्हें आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दीजिए। पर शर्त क्या है कि अगर इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज बीइंग रेफर्ड टू बिकम अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो ऐसे इंसान को 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होता है, अपने आप को इलेक्ट करवाना होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह। ठीक है, पार्लियामेंट में उसे क्या बन के आना पड़ता है, एमपी बन के आना पड़ता है, मतलब कहीं पर चुनाव करवा के। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा के हिसाब से कहीं पे भी चुनाव करवा ले, सीट वैकेंट होती है उस हिसाब से फिर वो चुनाव करवा लेते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पढ़ लिया। अब इसे और इनडेप्थ अगर हम समझते हैं तो क्या क्या प्रोविजन से, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इट इज अ बॉडी ऑफ 60-80 मिनिस्टर्स एट डिफरेंट रैंक। ठीक है, रैंकिंग सिस्टम है यहाँ पे। रैंकिंग सिस्टम कैसे है, देखो रैंकिंग कर दे हम तो ये रैंकिंग होगी फर्स्ट, ये रैंकिंग होगी सेकेंड और ये रैंकिंग होगी थर्ड। क्लियर, लाइन में लिख दिया हमने, कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। तो 60-80 मिनिस्टर्स रहते हैं लेकिन इनकी पोजीशन पावर अलग अलग रहती है। कुछ मिनिस्टर्स को कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, कुछ मिनिस्टर्स को कहा जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, कुछ मिनिस्टर्स को कहा जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। आगे समझ में? तो ये तीन रैंक पे होते हैं मिनिस्टर्स। सबसे ऊपर अगर सबसे पहले सबसे पावरफुल को देखें तो वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स इन लोगों के बारे में आपने अधिकतर न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना होगा, इनका नाम आप फोटो वोटो देख लेते होंगे इनका, ठीक है, न्यूज़ में आप इनका वीडियो देख लेते होंगे, ये सारी चीज़ें देख लेते होंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी मेजर मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, तो ये सारी जो मिनिस्ट्री होती हैं, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो इन मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, दे आर दी टॉप लेवल लीडर्स ऑफ दी रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी सिंगल मेजोरिटी पार्टी भी हो सकती है, कोलिजन पार्टनर्स भी हो सकते हैं, तो रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल लीडर्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक, दे आर इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज। मेजर मिनिस्ट्रीज वही बताया मैंने, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स, तो ये क्या है, ये मेजर मिनिस्ट्रीज हैं, तो दे आर इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री। They are also known as the inner ring of Council of Ministers. तो जो पूरा Council of Ministers आपने देखा ना, पूरी body है Council of Ministers, इसमें अलग अलग rank पे अलग अलग ministers होते हैं, 60-80 minister तक होते हैं। तो ये जो Council of Ministers, ये जो पूरी ring है, इस ring में जो इनर मोस्ट रिंग रहती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ना, वो रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे कंप्राइजेस अबाउट 20 मिनिस्टर्स, लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं। आपको क्या करना है, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द होल स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बताना है। इट कंप्राइजेस ऑफ मिनिस्टर्स एट वेरियस रैंक्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो उन्हें एक्सप्लेन कर देना। क्लियर, तो कैबिनेट मिनिस्टर में हमने ये देख लिया, लगभग 20 मिनिस्टर होते हैं, टॉप लेवल लीडर्स होते हैं और इंचार्ज मेजर मिनिस्ट्री के होते हैं ये। फिर आते हैं क्या, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब देखो नाम में सब कुछ समाया हुआ है, इंडिपेंडेंट चार्ज,
इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनके बारे में। अब देखो क्या है, इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री मतलब क्या होता है कि जो मेजर मिनिस्ट्रीज नहीं रहती, जो छोटी छोटी मिनिस्ट्री जो स्टेट स्पेसिफिक होती है। स्टेट स्पेसिफिक कैसे होती है कि मान लो किसी स्टेट में कोई सी जैसे टूरिज्म की मिनिस्ट्री स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बनाना है कहीं किसी स्टेट में, या फिर कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहां पे आपको स्पेसिफिक कुछ करना है, तो उस तरह से क्या होता है, इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री छोटी मिनिस्ट्रीज के पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। ये बहुत बिजी रहते हैं, ठीक, ये हमेशा नहीं आते, तो इन्हें जब इन्विटेशन दिया जाता है, बिजी तो नहीं रहते हैं, मतलब मानना यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो मेजर डिसीजन वो ले लिया करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ जरूरत है कि हमें जो मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं उन्हें भी इंक्लूड करना है डिसीजन मेकिंग में, तो इन्हें इन्विटेशन दिया जाता है और तभी ये मीटिंग में आते हैं। अब इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये हर मिनिस्ट्री में हर मीटिंग में इन्हें अलाउड नहीं रहता बैठना, ठीक है, इन्हें जब इन्विटेशन दिया जाता है तब ये उन्हीं मीटिंग्स में आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गया मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज का, क्लियर है, आया समझ में। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट चार्ज के सामने कुछ स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और हर मीटिंग में नहीं आते हैं, क्लियर है। अब देखो क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में क्या होता है, दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये और ये मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, क्लियर है, इनको अपन ऐसे मिला लेते हैं यहां पे ऊपर से, ये क्लियर प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों भाई भाई है। भाई भाई कैसे हैं अब वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का ऊपर बहुत ज्यादा काम रहता है, जैसे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर को पूरा देश संभालना, पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, इंटरनल सिक्योरिटी को संभालना है, सारी चीजें संभालना है। तो उस सेंस में क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है कौन है अभी के होम मिनिस्टर, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, आपके ऊपर गूगल होमवर्क डाल दिया हमने, ठीक, तो आपके अभी के होम मिनिस्टर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के पास में बहुत ज्यादा काम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेट स्पेसिफिक क्या करते हैं, स्टेट्स में अपने अंडर में मिनिस्टर्स को कह सकते हैं अपॉइंट कर देते हैं, तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कहा जाता है इन्हें। दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो, जैसे होम मिनिस्ट्री में अगर जरूरत है तो होम मिनिस्ट्री में कुछ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बिठा देंगे टू असिस्ट दी कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स को सेंट्रल लेवल पे असिस्ट करने के लिए कि हाँ आप पूरे देश को संभालिए, आप इतना हिस्सा मुझे दे दीजिए, इस स्टेट को मैं संभाल लूंगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब आपकी जो पोजिशन है, आपकी जो मिनिस्ट्री है उस बिहाफ पे मैं संभाल लूंगा चीजें। तो ये काम कौन करते हैं, ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट करते हैं, आगे समझ में। तो अब आप ऐसे देखोगे तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज और ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये सारे मिनिस्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, क्लियर, आपको मैंने तीनों वो एक्सप्लेन भी कर दिया कौन से मिनिस्टर का काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें। अब देखते हैं आगे और क्या है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इक्वल टू कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप पूछ रहे होंगे वाई, कैसे, क्या बोल दिया सर आपने, देखो पार्लियामेंट चलाना है, पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट देश चला रही है, और पार्लियामेंट में देश चलाने का काम जो कर रहे हैं, जो मेजर पॉलिसीज बना रहे हैं, जो मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, वो लोग कौन होते हैं, वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स अंडर द गाइडेंस और या फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हमने पिछले वीडियो में जैसे पढ़ा था, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट को, ऐसा करके पूरा देश चल रहा है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसका एक्सप्लेनेशन और समझिए, बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक्स मेजर डिसीजन इन देयर मिनिस्ट्री, और सब अपनी अपनी मिनिस्ट्री में काम करेंगे तो अपना अपना मिलकर पूरा बन जाएगा, सारा बन जाएगा, देश चलेगा, आया समझ में। तो इस सेंस में कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक्स मेजर डिसीजन इन देयर मिनिस्ट्री, क्लियर है, ठीक। अब मिनिस्ट्री, अब इस चीज को समझिएगा, देखो क्या होता है, एक बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं आपको एक हायरार्की बता रहा हूं, इसमें समझा रहा हूं कि एक बड़ी मिनिस्ट्री होती है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या होता है, ये बड़ी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एक और होमवर्क ले लो गूगल होमवर्क, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री चार डिपार्टमेंट्स में बटी हुई है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अब इन अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे हमने देखा था ना ऑफिस मेमोरेंडम में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग वाले जो ऑफिस सेक्रेटरी थे उन्होंने साइन करके ऑर्डर इशू किया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या किया जाता है, अलग अलग ये डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं, इन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग क्या मिल जाते हैं, सेक्रेटरीज मिल जाते हैं, ये सेक्रेटरीज क्या करते हैं, फिर काम करते हैं, तो ये सेक्रेटरीज अधिकतर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स मतलब क्या कि जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो क्या होता है कि हम देखते हैं अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में क्या काम करते हैं, वो शुरुआती दौर में वो कलेक्टर का काम कर रहे हैं, कहीं कह सकते हैं एसडीएम का काम कर रहे हैं, फिर वो प्रमोट होते होते जाते हैं और किसी मिनिस्ट्री में जाके क्या करते हैं, इस तरह से काम कर रहे होते हैं, तो वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री जो होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, डिपार्टमेंट्स को हेड कौन करता है,
पॉलिटिकल लीडर्स तो सुपरवाइज कर ही रहे हैं लेकिन सेक्रेटरीज काम संभालते हैं। मैंने वही बताया था ना, एक्सपर्ट कैन टेल दी रूट, वो आपको रास्ता बता सकते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे रास्ते वाला काम है पूरा, वो पूरा रास्ता बताते हैं कि कैसे चीजें होना है। क्लियर, ये मिटा देते हैं सब कुछ वापस से। अब इसी के साथ में हमने क्या करते हैं कि इसी के साथ में हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने एग्जीक्यूटिव विंग में क्या क्या पढ़ लिया है, एग्जीक्यूटिव विंग में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरह से काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बाद हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, वो है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारी कंट्री की, फर्स्ट पोजीशन है, उसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।